वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड फाइन। नाउ स्टार्ट द लेक्चर ऑफ द डे, ग्रेड 9 सब्जेक्ट्स मैथ, लेक्चर नंबर 9। दिस इज़ द लास्ट लेक्चर। यूनिट 5 हमारा कंटिन्यू है, एक्सरसाइज है हमारी 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द फॉलोइंग व्हेन 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे p इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6। अब हमारे पास यहाँ पे x माइनस 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे जिधर जिधर हमारे पास x है उधर हम जो करें क्या करेंगे, हम x की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, p इंटू 2 इज इक्वल टू 3 2³ माइनस 10 2² प्लस 13 2 माइनस 6। ठीक है, इज इक्वल टू, अब 3 2 2 4 4 2 8 माइनस 10 2 2 4 प्लस 26 माइनस 6। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 3 4 20 4 माइनस 10 4 40 प्लस 26 माइनस 6। ठीक है, तो इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4x³ माइनस 4x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। तो 2x इज इक्वल माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1/2/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। अब p इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 4x प्लस 3, तो यहाँ पे अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, p इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4 1/2 का होल क्यूब माइनस 4 1/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 1/8 माइनस 2 2 4 2 1 2 प्लस 3 4 1 4 4 2 8 1/2 1/2। ठीक है, 1/2 और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस 1 इज इक्वल टू, अब 2 इसका एलसीएम लेंगे तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, 4x³ 4x⁴ प्लस 2x³ माइनस एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे एक्स प्लस 2 है, इज इक्वल 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2। अब वैल्यू क्या आएगी हमारे पास x की, 2, 6x⁴ प्लस 2x³ माइनस एक्स प्लस 2। अब p की वैल्यू है हमारे पास माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2⁴ प्लस 2, यहाँ पे माइनस 2³ माइनस एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 2। अब यहाँ पे 6 2 2 4 4 2 8 8 2 4 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो यहाँ पे 16 प्लस 2 माइनस 8 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 और सॉरी प्लस 2 एंड प्लस 2। ठीक है, अब 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96 माइनस 16 प्लस 4, 94 में 6 में 4 प्लस करेंगे तो 100 माइनस 16 इज इक्वल टू 84 हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 3 पार्ट किए हैं, ठीक है, नेक्स्ट 2 पार्ट्स जो हैं वो सेम इसी मेथड से हैं, तो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कर रही हूँ, इफ़ x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x² माइनस 4kx माइनस 4k की पावर 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने क्या करना है, k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, p इंटू सपोज करेंगे p इंटू x इज इक्वल टू 3x² माइनस 4kx माइनस 4k². ठीक है, तो अब ये x प्लस 2 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2, तो p इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू 3^2 माइनस 2² माइनस 4k माइनस 2 माइनस 4k²
ठीक है, माइनस फोर के स्क्वायर आ जाएगा, अब थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू टू ज़ार फोर, माइनस फोर के और माइनस टू माइनस फोर के स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व प्लस एट के माइनस फोर के स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब हमने अब इसको आगे जो है वो सॉल्व करना है, डिवाइडेड बाय फोर करेंगे। ठीक है, अब फोर का टेबल जो है तो तीनों पे डिवाइड हो रहा है, तो हम डिवाइडेड बाय फोर करेंगे, डिवाइडेड बाय फोर, फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व प्लस थ्री फोर टू ज़ार एट माइनस के स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आया कि इसको हम किसके इक्वल करेंगे, ज़ीरो के इक्वल करेंगे। अब थ्री प्लस थ्री के, अब इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, हम ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास टू के आ जाए, तो थ्री प्लस थ्री के माइनस के माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, थ्री कॉमन लेंगे वन प्लस के माइनस वन कॉमन लेंगे तो वन, सॉरी के कॉमन लेंगे तो वन माइनस 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 प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी यहाँ से हमने थ्री जो है कॉमन लिया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस के कॉमन है और थ्री माइनस के इज इक्वल टू ज़ीरो। अब वन प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो, के इज इक्वल टू माइनस वन, एक वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी एंड द सेकेंड वैल्यू इज़, ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई के की। अब सेकेंड है थ्री माइनस के, थ्री माइनस के इज इक्वल टू ज़ीरो, माइनस के इज इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस माइनस से कट जाएगा तो के इज इक्वल टू थ्री। अब के की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, थ्री एंड माइनस वन। अब ये क्वेश्चन नंबर टू था, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट टू जो है क्वेश्चन का वो भी सेम इसी मेथड से है, तो आप लोग उसको खुद सॉल्व करेंगे। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री आर फैक्टर्स ऑफ पी इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी फोर एक्स माइनस फोर्टी एट। ठीक है, इसको भी हमने सेम सोल्यूशन सेम जो है वो सॉल्व करना है, तो फर्स्ट पे हम लेंगे एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू टू, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे, सॉरी प्लस है एक्स की, टू क्यूब माइनस ट्वेल्व टू स्क्वायर प्लस फोर्टी फोर टू माइनस फोर्टी एट, एट माइनस ट्वेल्व मल्टीप्लाई फोर प्लस एटी एट माइनस फोर्टी एट इज इक्वल टू एट माइनस फोर टू ज़ार एट फोर वन ज़ार फोर प्लस एटी एट माइनस फोर्टी एट। ठीक है, अब इनको हम जो है मल्टीप्लाई प्लस माइनस नाइन्टी सिक्स माइनस नाइन्टी सिक्स, ठीक है, इनको आप जब प्लस माइनस करें, नाइन्टी सिक्स माइनस नाइन्टी सिक्स यानी एटी एट में एट प्लस करेंगे नाइन्टी सिक्स, फोर्टी एट में फोर्टी एट प्लस करेंगे नाइन्टी सिक्स, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ज़ीरो, यानी ये कट जाएंगे। तो ये क्या है, एक्स माइनस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने फैक्टर बनाना था तो एक्स माइनस टू इज़ अ फैक्टर। ठीक है, ये एक फैक्टर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्स माइनस थ्री, तो अब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू थ्री। अब हमने इसी में ही पुट करनी है, पी इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी फोर एक्स माइनस फोर्टी एट। तो यहाँ पे हम थ्री ऐड करेंगे, पी के एक्स की वैल्यू थ्री का क्यूब माइनस ट्वेल्व थ्री स्क्वायर प्लस फोर्टी फोर थ्री माइनस फोर्टी एट इज इक्वल टू थ्री थ्री ज़ार नाइन, नाइन थ्री ज़ार ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेल्व नाइन प्लस ट्वेल्व वन थर्टी टू माइनस फोर्टी एट इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन टू ज़ार एटीन का लेकर गया एट वन कैरी नाइन वन ज़ार वन नाइन प्लस वन टेन प्लस वन थर्टी टू माइनस फोर्टी एट। ठीक है, अब इनको हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 159 माइनस 156 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या है, हमारे पास पॉलीनोमियल फैक्टर नहीं है। तो आप लिखेंगे x माइनस 3 इज नॉट इक्वल इज नॉट फैक्टर, यानी ये हमारे पास फैक्टर नहीं है। आगे इसका भी है जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, ठीक है, वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। सेम यही मेथड है, क्वेश्चन नंबर 4 का भी यही मेथड है एंड क्वेश्चन नंबर 5 का भी यही मेथड है। अब मैं जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करूँगी। द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल पी इन टू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 7 बाई एक्स प्लस 1 इज 2b। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ बी प्लस 5 ऑन डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने बुक से कुछ देख के जो है वो कॉपी पे नोट डाउन करना है, उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं जस्ट सॉल्यूशन कर रही हूँ इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने बुक से खुद देख के लिखना है। तो पी इंटू एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस सेवन। ठीक है, अब एक्स प्लस वन है हमारे पास, पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसमें हम पुट करेंगे एक्स की वैल्यू एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7 पे, यहाँ माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब प्लस ए माइनस 1 स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस 7 माइनस 1 प्लस ए प्लस 7 ए प्लस 6। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस 6। ठीक है, तो ए प्लस 6 किस की इक्वल है, ए प्लस 6 इज इक्वल टू 2b। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट जो है वो कंडीशन आ गई है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। अब नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है, ठीक है, x माइनस 2 के साथ। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में दूसरी वैल्यू क्या है, x माइनस 2, यानी x माइनस प्लस 1 के साथ सॉल्व किया है। अब x माइनस 2 के साथ हमने सॉल्व करना है, p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 2 का क्यूब प्लस ए 2 का स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 ए प्लस 7 4 ए प्लस 15। हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 ए प्लस 15, तो 4 ए प्लस 15 इज इक्वल टू बी प्लस 5। ये हमारी है सेकंड कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन। अब 4a माइनस b, ठीक है, इज इक्वल टू 5 माइनस 15, 4a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 10। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमने करना है। अब a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 6, a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 6। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी फ्रॉम ए बी। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई। अब द सेकंड हमारे क्या है, ये हमने मल्टीप्लाई करना है बी इक्वेशन को 2 के साथ, यानी इक्वेशन बी जो है हमारी 4a माइनस b, इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमारी इक्वेशन बी है, ठीक है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 10 मल्टीप्लाई टू 8a माइनस 2b इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे प्लस है, सॉरी माइनस ये है, तो हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 8 7a सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7a इज इक्वल टू माइनस 14,
ए इज इक्वल टू माइनस 14 ओवर 7, ए इज इक्वल टू माइनस 2। हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, हमने बी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो ए माइनस 2 बी इज इक्वल टू माइनस 6। ए की वैल्यू क्या है, माइनस 2, माइनस 2 बी इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस 2 बी इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2 माइनस 2 बी इज इक्वल टू माइनस 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू हमारे पास आएगा बी इज इक्वल टू 4 ओवर 2, बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस 2 एंड बी इज इक्वल टू 2।